वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लेसन थ्री उसका। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे कि 16वीं शताब्दी में जब कंबोज का पतन हो गया यानी कि राजा जो सूर्य वर्मा थे उनके द्वारा उनके राज्य का पतन हो गया, तो कोई भी राज्य का पतन क्यों होता है? कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा, उस राजा को हटाया होगा। जब वो राजा हटेगा उसके बाद से उस राज्य का विनाश हो जाएगा। तो पता है दूसरा व्यक्ति कौन आया था? यूरोप से आए थे यहाँ पे यूरोप के कुछ लोग। आप बताइए कि यूरोपीय कौन थे? तो जितने भी व्यापार की शुरुआत कैसे हुई, औद्योगिक क्रांति क्या है, इस सब किसका देन है? यूरोप के लोगों का देन है। वो कुछ नहीं जानता है, न जात न धर्म इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होता है, वो सिर्फ व्यापार करना जानता है। तो जब वो व्यापार करने के लिए यूरोप से अपने क्या है एशिया के तरफ आया, तो जब यहां पे आया और यहां पे धीरे धीरे वो क्या करे व्यापार करते करते यहां पे कब्जा जमा लिया, ठीक है। और कब्जा जमाते जमाते राजतंत्र को हटा करके और लोकतंत्र की स्थापना की। उन्हीं की देन है कि हम लोग भी आजाद है लेकिन उनके गुलाम थे, और जब वो हट गए तो हम लोग पूर्ण रूप से क्या हो गए, आजाद हो गए। तो वो जब आए तो 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया, और जब यहां से व्यापार करने के लिए आए यूरोप से तो पहला व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डिगम्मा। व्यापारी कंपनी आई 1498 में आया। वह आने के बाद से फिर वहाँ पे एगो व्यापार का केंद्र होता है कि व्यापार हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया 1510 में मलक्का में अपना केंद्र बना लिया, ठीक है, और वहीं से हिंद चीन से क्या करने लगा, व्यापार करने लगा, ठीक है। यानी हिंद चीन से व्यापार, यहाँ पे वो केंद्र बना लिया, रहने खाने का जगह बना लिया, और वहीं से 1510 के बाद से व्यापार करना शुरू कर दिया। जब सभी यूरोप के लोग एशिया की तरफ व्यापार करने आ रहे थे तो सब लोग व्यापार के मकसद से आए थे, लेकिन फ्रांस एक ऐसा गधा देश है, ठीक है, उसको गधा नहीं उसको चालाक एक तरह से समझे। यहाँ पे आया था व्यापार करने लेकिन मकसद था कि यहीं पे रह जाना है, यहीं पे अपना साम्राज्य बना लेना है, यहीं पे राज करना है, फ्रांस का काम था। वो आया 17वीं शताब्दी में, फ्रांसीसी पादरी हिंद चीन आए, ठीक है, यानी फ्रांस के जो भी पादरी लोग हैं हिंद चीन आए और यहाँ आ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे। वो समझा रहे थे कि हम लोग का जो फ्रांस में जो धर्म वगैरह चलता है ना बहुत अच्छा है, यहाँ का धर्म बेकार है, यहाँ गरीब लोग होते हैं, इस धर्म को छोड़ो, ठीक है, हमारे धर्म में आओ, अपने से अमीर हो जाओगे। यार बिना मेहनत का तो यहाँ कोई अमीर नहीं होता है, किस तरह से माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। यहां देखिए फ्रांसीसी पादरी हिंद चीन आए, लोगों को गुस्सा आया कि तू आया है व्यापार करने तो व्यापार करो ना, काहे लिए अपने धर्म का ज्ञान दे रहे हो फालतू में, ठीक है। लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था, देखिएगा ये सब गुलाम बनाएगा धीरे धीरे हम लोगों को, और जब हम लोग खूब उब जाएंगे तो दबा के थुराई करेंगे और यहां से फ्रांस को भगाएंगे। यहां देखिए जब वो आया वहाँ से हिंद चीन से, कहाँ से, हिंद चीन में फ्रांसीसी पादरी आए, तो उन्होंने आते आते सबसे पहले फ्रांस को बड़ा अच्छा लगा अन्नाम। अन्नाम कहाँ है तो यहाँ देखिए वियतनाम के इलाके में, नीचे के एरिया अन्नाम है। अन्नाम में बहुत अच्छा जगह था, उन लोगों को व्यापार करने लगे, फ्रांस उसमें रुचि लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा कि वह अब व्यापार ही वहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रुचि लेने लगा। और बाद में क्या किया, वहाँ के सैन्य संधि, सैनिकों के साथ 1862 में वो क्या कर लिया, संधि कर लिया, ठीक है, समझौता कर लिया कि देखो हम कुछ भी करेंगे हमको मार झगड़ा से थोड़ा सा दूरे रहना है, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में पहले यहाँ आया इस एरिया में और आकर के इंटरेस्ट रहा था, वाह बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, आके देख के चला गया। दूसरी बार में आके धीरे से समझाता कि सुनिए ना थोड़ा सा हमको रहने दीजिए यहाँ पे, ऐसा बोला, ठीक है। और तीसरी बार में आए तो डायरेक्ट पूरा का पूरा इस पर कब्जा कर लिया, यानी कि 1884 में जब आया तो पूर्ण रूप से इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया फ्रांस। ये पूरा इलाका किसका हो गया, फ्रांस का हो गया, किसका हो गया, फ्रांस का हो गया। अब देखिए कैसे 47 में आया, 62 में बोला कि रहने दीजिए सैन्य संधि, ठीक है, और 1884 में उसको उपनिवेश बना लिया यानी कि उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब बोला कि इतना से काम नहीं चलेगा, अब क्या करते हैं, इस पूरे इलाका पर हमको कब्जा करना है, हम इसी मकसद से यहाँ हैं, फ्रांस की ये सोच थी, ठीक है। अब देखिए 1887 में वो क्या किया कि यहाँ पे कोचिन चीन से संधि की, कोचिन चीन में यहाँ ये इलाका देखिए, ये वाला इलाका कोचिन चीन है, यहाँ पे पता है क्या किया था, यहाँ की जनता कोचिन चीन के राजा को जान से मारने के लिए दौड़ उठी थी, क्योंकि वो राजा वहाँ का बड़ा निरंकुश था कोचिन चीन। ये दौड़ते दौड़ते कोचिन चीन का राजा गया और वो फ्रांस से जा कर के हेल्प मांगी, देखिए आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए, आप जो बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रांस बोला अच्छा ये बात है, हम जो बोलेंगे वो करोगे, हाँ तो ठीक है,
हम यहाँ व्यापार करेंगे, हमको यहाँ व्यापार करने के लिए जगह दे दो, तुमको लोगों से बचा लेंगे। ठीक है, और बोला कि कोई बात नहीं, जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, एक काम करो, तुम जगह ले लो लेकिन प्लीज़ हमको बचा लो। तो यहाँ पे क्या किया, कोचिन चीन के राजा को फ्रांस के जो भी यहाँ से फ्रांस के जो भी लोग आए थे व्यापार करने, उन्होंने अपनी सेना के द्वारा इसे बचा लिया और धीरे से कोचिन चीन पर के साथ सेना के साथ संधि कर लिया। यानी कोचिन चीन के साथ संधि कर ली राजा और यूरोप के लोग जो कोचिन यूरोप के लोग जो फ्रांस से आए हुए थे। और धीरे से 1800 देखिए यहाँ पे देखिए 1787 में कोचिन चीन के साथ संधि हुई और 1862 में पूरा का पूरा इस पर कब्जा हो गया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या किया, 1884 में ये निकल गया, 62 में ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए 1883 में तोकिम, अब ये दोनों तो गया, चल दिया फ्रांस तोकिम पर कब्जा करने, ऊपर वाले इलाका पर। इसमें वाओ, ये भी तो बहुत अच्छा देश है। ठीक है, जब यहाँ पे गया तो सबसे पहले क्या किया, तोकिम में अपनी सेना को प्रवेश कराया, 1783 में एंट्री मार दिया, इस पर भी कब्जा जमा लिया। ठीक है, उसके बाद से 1800 ये हो गया और ये आपका हो गया आपका 1863। उसके बाद से 1863 में कंबोडिया भी हाथ से निकल गया। ठीक है, इस पर भी गया, देख लीजिए ये गया हाथ से फ्रांस द्वारा, ये अनाम गया, कोचिन चीन गया, कंबोडिया भी गया, बच गया लाओस, वो भी जाएगा। 1904 में लाओस भी हमारे हाथों से निकल गया। हिंद चीन, ये जो है हिंद चीन पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा का, 20वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से हिंद चीन पर किसका कब्जा हो गया, फ्रांस का कब्जा होगा। आया था डच, आया था इंग्लैंड, आया था, लेकिन कोई कब्जा नहीं किया, सब कोई व्यापार करने आया था, लेकिन धीरे धीरे करके 20वीं शताब्दी तक यानी 1904 यहाँ पे देख लिए, पूर्ण रूप से हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा हो गया। कारण क्या था, अब देखिए इस सब लोग क्या अपना व्यापार करने के लिए इस सब पर कब्जा किया था, वजह कब्जा नहीं करता, आके यहाँ व्यापार करके चला जाता, लेकिन जानते हो काहे कब्जा किया फ्रांस, क्योंकि दूसरा भी यूरोप से, यूरोप एक महादेश मान लीजिए, वहाँ से पहले फ्रांस, पहले तो वास्को डी गामा आया, उसके बाद से बहुत सारे देश व्यापार करने आने लगे। फ्रांस सोचा कि जब सब कोई यहाँ से उठ करके आ जाएंगे कहाँ पे, एशिया के इलाका में जो हिंद चीन है इधर व्यापार करने, तो सब कोई एक एक सामान ले जाएंगे, तो वहाँ जाके सस्ता सामान बिकेगा, एक काम करते हैं उन लोगों को इधर आने नहीं देंगे, उन लोगों को इधर आने ही नहीं देंगे, सब जगह यहाँ पर हम कब्जा कर लेते हैं, और जैसे उधर से आएगा तो हम बोलेंगे कहाँ आया है, ये सब हमारा इलाका है, और कहीं से व्यापार नहीं करने देंगे तो वो चला जाएगा। इस वजह से वो क्या करना है, कब्जा करना शुरू किया था, नहीं तो वो भी आया था मकसद लेकर के कि व्यापार करके चले जाना है, लेकिन सब कोई व्यापार करेगा तो दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि सामान का दाम गिरेगा। अब देखिए कारण था कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जिसमें सबसे मेन था उसका दुश्मन इंग्लैंड, फ्रांस का सबसे मेन दुश्मन कौन था, इंग्लैंड। इंग्लैंड भी बहुत अच्छा व्यापार करता था, वो भी कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो इंग्लैंड की ही देन है। ठीक है, वहीं पे सब मशीन वगैरह बनाया गया, और अंग्रेज ही सब यहाँ पे आए और इंडिया पर राज किए। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या किए, व्यापार खोले और धीरे धीरे पूरे इलाका पर कब्जा कर लिए। तो दो वो देश हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों में कॉम्पिटिशन रहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम सिर्फ यहाँ व्यापार करेंगे, और इंग्लैंड कहता था तुम यहाँ से चले जाओ, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। इसी के वजह से इस पर लोग कब्जा करना शुरू किए, बेचारा दोनों की लड़ाई में ये सब देश के लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है, यही काम है प्रतिस्पर्धा, शोषण की शुरुआत। अब देखिए बाद में क्या हुआ, व्यापार करते करते अब लोग एकदम लालची हो गया, दोनों देश कौन कौन, इंग्लैंड और फ्रांस, दोनों एकदम लालची हो गया, खूब सोचा था कि इस जगह से कितना उत्पादन हो जाए और सब सामान बेच करके आप पैसा कहाँ भेज दे, अपने बाप के घर, यानी कि अपने अपने घर में इंग्लैंड में या फिर फ्रांस भेज दे। ठीक है, सब ये लोग सोचने लगे। हुआ क्या कि सबसे पहले शोषण की शुरुआत व्यापारिक नगर, जितना भी इधर व्यापार करने वाला छोटा मोटा इलाका था सब पर कब्जा करना फ्रांस शुरू कर दिया। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब सीपोर्ट जो होता है, जहाँ पे जहाज नाव जा करके बड़ी बड़ी पानी वाली जो जहाज होती है जा करके रुकती है, तो वहाँ व्यापार होता है, उस इलाका में क्या होता है, व्यापार होता है, उस पर ये लोग कब्जा करना फ्रांस शुरू कर दिया। कंबोडिया पर कब्जा किया, कंबोडिया पर है मेकांग नदी का क्षेत्र, इधर साइड में आता है, इस पर कब्जा कर लिया। जो भी अच्छा अच्छा क्षेत्र था जहाँ व्यापार हो रहा था उस सब इलाका पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। मेकांग का डेल्टा जो है, ये कोचिन चीन में मेकांग का डेल्टा इधर पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे इलाका पर किसका कब्जा हो गया, फ्रांस का कब्जा हो गया। अब यहाँ समझिए, कब्जा तो किया ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जिस इलाका पर कब्जा करेगा वहाँ कोई भी चीज़ उपजाएगा, जब उपज होगी तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को निकाल करके कंपनी में डालेगा, वहाँ से उसको कंपनी में जब वो सामान बन जाएगा तो मार्केट में बेचेगा। लेकिन जो
खेत में, खेत जो होता है खेत से जो उत्पादन होगा, खेत में बीज उज तो डालना पड़ेगा तब ना कोई चीज़ उगेगा, खेत में सिंचाई की जरूरत है, तो उसके लिए फ्रांस ने नहर की व्यवस्था कराई, ठीक है, अलग अलग प्रकार की सुविधा की व्यवस्था कराई और खूब अनाज वहाँ से उपजाया। तो इस हिसाब से शोषण तो किया ही, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या किया, शोषण में से कृषि में वृद्धि भी हो गया। एक तरह से 1931 तक जाते जाते माने पूरे विश्व का चावल निर्यात का सबसे बड़ा तीसरा देश बन गया, यानी विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात का देश वियतनाम बन गया उस समय। अब बताइए कि ये जो खूब ज़्यादा चावल निकला, विश्व में 3 नंबर पे स्थान ला दिया वियतनाम, तो आप बताइए कि काम करने वाले खेत में कौन होंगे, किसान होंगे, जाहिर सी बात है, अब तो यही कि ये किसान है उसमें वैसे भी किसान ही होंगे, तो वो किसान सिर्फ मेहनत करते थे, उन लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी, ठीक है, मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी और खूब मेहनत ज़्यादा करते थे, और मेहनत करने के बाद से कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो उन लोगों के अंदर गुस्सा आएगा कि क्या करें, एक तो दूसरे देश से आया है, हमको अपने ही ज़मीन पर काम करवा रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, तो गुस्सा होगा तो एक दूसरे से लोग क्या करेंगे, राय करेंगे कि देख रहे हो ना पैसा नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे यूनिटी बढ़ेगा तो उसको कहते हैं कि राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने ज़मीन के प्रति लोग क्या कर रहे हैं, गुस्सा उत्पन्न करेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे, अभी कहानी तो पूरी बाकी है, ठीक है। अब देखिए, कारण था नगरों का तो विकास हुआ, नगर का विकास हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो रेलवे का विकास हुआ, हर चीज़ का, सड़क का विकास हुआ, लेकिन बाबू एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसान के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा, बेचारे किसान शुरू में ही गरीब थे, अभी भी गरीब थे, ठीक है, और आने वाले समय में अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी गरीब होंगे, जब तक फ्रांस रहेगा, जब तक कोई दूसरा देश कब्जा किया रहेगा, तब तक वहाँ क्या रहेगा, वहाँ गरीबी ही उत्पन्न होगी, और जो भी किसान मजदूर के लड़के होंगे वो भी गरीब होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सड़क का तो विकास हुआ, रेलवे मार्ग विकास हुआ, लेकिन किसानों का जीवन स्तर निम्न ही रहा। अभी सब देख करके लोगों को गुस्सा आया कि रे चोट्टा तुम एक बात बताओ, तू आ करके यहाँ कब्जा कर रहा है, पूरे तरह से क्या किया यहाँ पे, कब्जा किया, हम कुछ नहीं बोले, ठीक है, अपना मशीन लगाया, हम कुछ नहीं बोले, हम लोगों को रोजगार नहीं दिया, एक बात कब तक ये चलेगा, ठीक है, ये सभी लोगों ने राय किया, ठीक है, उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग बताए कि तुम लोग इनके विरोध खड़ा हो जाओ, ठीक है, आंदोलन करो। तो यहीं से वियतनाम में आंदोलन शुरू होगा, और आंदोलन के अंततः हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने मिल करके यह आंदोलन किया था, उसमें कुछ नाम होगा मेन जिन्होंने दिमाग दिया था कि कैसे कैसे आंदोलन करना है, तो हम लोग अगले लेयर में देखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।